अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशिर लुकमान है। और जिस तरह 21वीं सदी में हम जा रहे हैं ना, ये अजीब अजीब वाक़यात रोनमा होते जा रहे हैं। और कई दफ़ा तो मैं दंग रह जाता हूँ कि कोई कितना बेअकल कुन जहन और डफर हो सकता है। और मेरे बस में अगर होता ना, तो मैं दुश्मनी में नहीं, मैं इंडिया की दोस्ती में रॉ के हेड को कम अज़ कम फारिग कर देता हूँ, आईबी के हेड को। यानी अब मौसूफ़ का इल्ज़ाम देखें कि एक कबूतर पकड़ लिया और कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान से जासूसी कर रहा था, यहाँ पे सर्वेलेंस कर रहा था। यानी एक मजाक की भी एक हद होती है कि कबूतर सर्वेलेंस कर कैसे सकता है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बहुत से लोग कबूतर पालते भी हैं, वो मुझसे बेहतर जानते हैं। हुआ क्या कि गालिबन उन्होंने बाजार से कबूतर ख़रीदा, उसके परों को पेंट किया पिंक कलर का और उसको पकड़ के बंद कर दिया। कहती ये पाकिस्तानी कबूतर है जी, और ये यहाँ पे सर्वेलेंस कर रहा था और ये इन हसास तनसीबात के ऊपर फिर रहा था। इमेजिन कि कोई कितना कूड़ मगज होता है। अगर वो ये कहते हैं कि हमने एक ड्रोन पकड़ा है पाकिस्तान का, जो बर्ड शेप ड्रोन था, तो फिर हम सोचते कि यार ये वाकई ये कुछ तो हुआ होगा। अगर वो कहते हैं कि इस कबूतर के अंदर इंजेक्ट किया हुआ पता नहीं, या सर्जरी से कोई कैमरास फिट किए हुए हैं और तब वो उड़ा है, तो फिर चले एक सेकंड को मैं फिर भी मान लेता, गो अकल नहीं मानती उसको भी, लेकिन मान लेता। ये ऐसी बात है कि पानी से गाड़ी चला लें, पानी से जहाज़ उड़ा लें। लेकिन वो बकायदा उस पर तहकीक कर रहे हैं, और वो बकायदा पूरा मीडिया कल मैंने देखा है इंडिया का, कि वो उस पर धुआंधार तकरीरें करें कि पाकिस्तान कोविड के ज़माने में भी अब ये कर रहा है, कबूतर स्पाइंग कर रहा है। उन एंकर्स के ऊपर भी मुझे तरस आता है कि उनको जो स्क्रिप्ट दिया जा रहा है, उनको वो स्क्रिप्ट जो है किस तरह से रोने करके पढ़ना पड़ रहा है। हालत क्या, आपने आर्मी चीफ को देखे इंडिया के, उसने अपनी दाई साइड से मूंछ कटवा दी है। कम से कम ऑनरेबल हरकत तो की है उसने, कि जितना चाइना ने उनको कुट मारी है ना वहाँ लद्दाख के ऊपर दो दिन के अंदर, और उन्होंने पूरी वैली ही जाके कैप्चर कर ली चाइना ने, और इंडियंस को कहता भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ, तो उसके ऊपर उसने शर्मिंदगी से मूंछ काटी कि हमें इतनी बुरी मार पड़ी है वो। और आप जो एक न्यूक्लियर कंट्री है, जो आपका आर्च एनमी है, जिससे आप कभी अपने प्लेन्स गिरवा के वहाँ चले जाते हैं, कभी आप दूर से भाग जाते हैं, कभी आप अपना जो है ना थोड़ी चांदमारी के बाद आपको ठंड पड़ जाती है, जब आपका जवाब मिलता है तो आप उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो कबूतरों से स्पाइंग कर रहे हैं हमारे ऊपर। याद रखें 2017 में भी इन्होंने कबूतर पकड़ा था, पकड़ लिया, उसके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया, उसका कैदी नंबर भी अलॉट हुआ, कैदी नंबर फलां फलां, यू नो, और वो अदालत में पेशियाँ हुई हैं उसकी, उस कबूतर की। यानी आफरीन है उस अदालत के ऊपर भी जिसने उस कबूतर से सवाल जवाब किए, और उस वकील के लिए भी जिसने उसको प्रोसिक्यूट किया, और कोई डिफेंस का लॉयर भी होगा उसको स्टेट की तरफ से। ये पूरा ड्रामा चला है, और उसके बाद क्या हुआ, वो कबूतर गायब हो गया, वो कबूतर फरार हो गया उनकी तहवील से, उस पर नहीं कोई मुअत्तल हुआ, उस पर नहीं किसी को फारिग किया। अरे बाबा, कबूतर है, उसको दाना डालते रहो, वो तुम्हारे पास वैसे ही रुक जाएगा, किसी पिंजरे में रुकने की ज़रूरत नहीं है। इतनी साइंस ही तुम्हें समझ आई, इतनी, क्योंकि ह्यूमैनिटी तो है ही नहीं तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अंदर इंसानियत तो है ही नहीं है हिंदुस्तानियों में, और स्पेशली जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले हैं। इन्होंने एक हवा क्रिएट कर रहा है अपने मुल्क में कि पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान वो कर रहा है, अब हमें जंग करनी चाहिए, अब हमें ये करनी चाहिए। ये अपने लोगों की अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं अपनी इकोनॉमिक कंडीशन से, और ये चाहते हैं कि किसी तरह एक छोटा मोटा लिमिटेड सा एक हमारा ठाठू हो जाए इंडिया पाकिस्तान की खुदा न खास्ता, और उसके बाद कहें कि देखो जी सब कुछ वहाँ लग गया, हम तो उसमें बिजी थे, हम तो ये हो गया, हमने तो सारे वसाइल करके हमने ये जंग जीत ली, तो वो कर लिया। और कभी कबूतर पकड़ लिए, कभी वो वैसे नाम नहाद उनके पास अंदर लोग आ जाते हैं जो आके धमाके कर देते हैं पाकिस्तान से जाके। 5 लेयर्स हैं तुम्हारी ट्रुप्स की, वो 5ों पेनिट्रेट करके आते हैं कोई, और वो आता है और वो हज़ारों टन बारूद भरता है गाड़ी के अंदर, लोड करता है उसको, फिट करता है, फिर आता है तुम्हारी चेक पोस्ट पर आके मार देता है, और तुम्हें पकड़ा नहीं जाता। तो अपने फौजियों को फारिग करो भाई, ये जो नीम फौजी तुम्हारे, नीम पैरामिलिट्री फोर्स जो रखी हुई है इंडिया ने, और ये आईबी और रॉ ने आपस में पूरी कौम को, एक बिलियन से ज़्यादा की कौम को पागल कर दिया हुआ है। अब दोबारा कबूतर पकड़ के बैठ गए हैं, पता नहीं उस बेजुबान पे क्या जुल्म कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्योंकि इनके टैक्टिक्स, उसने कौन सा बोल पढ़ा या वो कैसे बोल सकता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा गुटरकूं करेगा, फिर गुटरकूं करेगा, और फिर गुटरकूं करेगा। कहते जी उसके पैरों में, पंजों में कोई पर्ची लिपटी हुई थी, उस पर्ची पे कोई कोड था। आज के जमाने में किसी ने इस तरह से कोड भेजना, मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान जो है पूरी दुनिया में अपना मजाक उड़वा रहा है। वो अमेरिकन
टॉक शोज में तो उन्होंने मजाक करना शुरू कर दिया. एक एंकर ने कहा हाँ दैट इज़ माई पिजन, वन ऑफ माई स्पाइज एंड यू नो आई कंट्रोल इट. एंड वो उसके बाद मजाक उड़ाना शुरू हो गए, खुद अपना मजाक उड़वा रहे हैं ये लोग. वो अलग बात है कि इस वक्त इंडिया को चाइना के हाथों बड़ी बुरी मार पड़ रही है, वो एक अलग तफसील है, मैं आपको दोबारा से दूंगा. लेकिन फिलहाल एक सो कॉल्ड दूसरा कबूतर जो है, पाकिस्तानी कबूतर जो हिंदुस्तान की जासूसी कर रहा था, सर्वेलेंस कर रहा था, वो जो है वो वहाँ पे कैद में उनकी, और उसको पकड़ा गया. आपके लिए इतला है. आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें. अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़.